वेलकम टू माय चैनल निराला दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं घेवड़ा यानी पापड़ी की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो घेवड़ा यानी पापड़ी, एक बड़ी वाली प्याज, 5-6 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया और 5-6 लहसुन की कलियां। इसे हम ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। और एक बड़ा वाला टमाटर, थोड़ा सा ज़ीरा, ये ज़ीरा हम इस मसाले में डाल के उसे पीस लेंगे। और ये नमक, आधी चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये एक छोटा आलू है, जिसे हम ये छोटे पीस में कट करके इसमें डाल देंगे। तो चलिए हम बनाने जा रहे हैं आज घेवड़े की सब्ज़ी। प्याज को हमने इस कंडीशन में फ्राई किया, अब इसमें हम ये डाल के फ्राई करेंगे। एक दो मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद में हम मसाले डालेंगे अंदर। इसे दो मिनट फ्राई करके इसमें आलू डालेंगे और दो मिनट फ्राई करेंगे। दो मिनट तक फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम हरा मसाला डालेंगे, जो कि पिसा हुआ हमें पीस के रखा था उसे डालेंगे। और इसका कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। ये हमने भून लिया, अब इसमें टमाटर डालेंगे और दो मिनट भूनेंगे। और साथ साथ इसमें हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, जो कि हमने आपको बताना भूल गए थे। और नमक डालेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पे पाँच मिनट पकाएंगे और फिर चेक करेंगे। बीच में हम ढक्कन हटा के चेक करते रहेंगे, नहीं तो मसाला नीचे लग जाएगा। अगर आपकी सब्ज़ी थोड़ी टाइट है तो साइड से आधा चम्मच इस तरह पानी छोड़ देंगे। ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना है, नहीं तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। पाँच मिनट से हम चेक करेंगे बीच में। देखिए ये थोड़ी पकने के लिए और वक्त लगेगा, और दो मिनट और इसे आंच धीमी करके पकाएंगे। और 5 मिनट से हमने चेक किया, देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। ये आलू भी हमारा गल चुका है, हमारी सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। अब हमारी केवड़े की सब्ज़ी यानी कि पापड़ी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।